दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज है 20 जून और 20 जून की करंट अफेयर्स में जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। वीडियो के अंत में मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में देना है। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। और जो मेरे नए दोस्त हैं जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, दिए गए नीचे रेड कलर का बटन क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में ही आपके बेल आइकॉन होगा, उसको भी दबा लें, इससे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। जैसा कि आप लोगों को पता है, करंट अफेयर्स से अब SSC, बैंक, रेलवे, यानी कि हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अब करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखना ना भूलें और वीडियो को पसंद आने पर वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सबसे पहले हम लोग कल के क्विज की क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो मैंने आपसे कल क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। क्वेश्चन ये था, हाल ही में दुनिया की सबसे अनुभवी अंतरिक्ष यात्री का नाम, जो सेवानिवृत्ति हो गए हैं, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है पेगी विटसन। आंसर हो जाएगा आपका ए, पेगी विटसन। इस क्वेश्चन का आंसर काफी बच्चों ने राइट दिया है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व बैंक ने किस देश की प्राथमिकता क्षेत्र में सुधार करने हेतु उसे 700 मिलियन डॉलर की सहायता राशि प्रदान की है? तो विश्व बैंक ने बांग्लादेश की प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र में सुधार करने हेतु उसे 700 मिलियन डॉलर की सहायता राशि प्रदान की है। आंसर हो जाएगा आपका ए, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसे कोलंबिया का नया राष्ट्रपति चुना गया? तो दोस्तों हाल ही में कोलंबिया का नया राष्ट्रपति इवान ड्यूक को चुना गया। आंसर हो जाएगा आपका डी, इवान ड्यूक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, हाल ही में जारी रिपोर्ट में समुद्र को गंदा करने वाली शीर्ष 10 नदियों की सूची जारी की है, जिसमें किस भारतीय नदी का नाम शामिल है? तो हाल ही में जारी रिपोर्ट में समुद्र को गंदा करने वाली शीर्ष 10 नदियों की सूची में गंगा नदी, भारतीय नदी का नाम शामिल है, वो है गंगा नदी। आंसर हो जाएगा आपका ए, गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे कॉर्म कासा किससे संबंधित है? तो हाल ही में चर्चा में रहे कॉर्म कासा ये संचार व रक्षा समझौता से संबंधित है। आंसर हो जाएगा आपका ए, संचार व रक्षा समझौता। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस कंपनी के साथ बाढ़ के पूर्व अनुमान व बचाव संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में भारत ने गूगल कंपनी के साथ बाढ़ के पूर्व अनुमान व बचाव संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आंसर हो जाएगा आपका ए, गूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आईसीआईसीआई बैंक ने किसे नया CEO नियुक्त किया है? तो आईसीआईसीआई बैंक ने संदीप बख्शी को नया CEO नियुक्त किया है। आंसर हो जाएगा आपका बी, संदीप बख्शी। हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक ने वीडियो कॉन घोटाला जांच पूरी होने तक चंद्रा कोचर को अवकाश दिया है, उनकी जगह संदीप बख्शी को CEO नियुक्त किया गया है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि आईसीआईसीआई बैंक का नया CEO किसे नियुक्त किया गया? तो संदीप बख्शी को नियुक्त किया गया है। किसकी जगह? चंद्रा कोचर की जगह, और चंद्रा कोचर को कुछ दिनों के लिए अवकाश दे दिया गया है। ये वीडियो कॉन घोटाला जो घोटाला हुआ है उसकी जांच पूरी होने तक चंद्रा कोचर को अवकाश दे दिया गया है। ये भी क्वेश्चन आपका पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से किसने नई अतुल्य भारत वेबसाइट लॉन्च की है? तो इनमें से पर्यटन मंत्री ने अतुल्य भारत वेबसाइट लॉन्च की है। सबसे पहले इसमें आ जाता है कि भारत के पर्यटन मंत्री का नाम क्या है? तो दोस्तों भारत के जो पर्यटन मंत्री हैं उनका नाम है जे अल्फोंस। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। हाल ही में भारत के पर्यटन राज्य मंत्री जे अल्फोंस ने नई दिल्ली शहर में अतुल भारत वेबसाइट लॉन्च की है, जिसमें भारत को विरासत, साहसिक कार्य, संस्कृति, योग और अन्य चीज़ें दिखाई जाएंगी इस वेबसाइट के जरिए। यानी कि विरासत, साहसिक कार्य, संस्कृति, योग और जो अन्य चीजें होंगी वो भी दिखाई जाएंगी इस वेबसाइट के जरिए। ये भी क्वेश्चन आपका पूरा होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस कंपनी के सीईओ रूपर्ट स्टॉडलर को गिरफ्तार किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में ऑडी के सीईओ रूपर्ट स्टॉडलर को गिरफ्तार किया गया है। आंसर हो जाएगा आपका सी ऑडी। हाल ही में जर्मन कार निर्माता कंपनी ऑडी के सीईओ रूपर्ट स्टॉडलर को डीजल उत्सर्जन घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। क्यों गिरफ्तार किया गया इन्हें? घोटाले के चक्कर में गिरफ्तार किया गया है, वो भी डीजल के उत्सर्जन घोटाले में इन्हें गिरफ्तार किया गया है। ऑडी के सीईओ को, रूपर्ट स्टॉलर को गिरफ्तार किया गया है। ये भी क्वेश्चन आपका पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, इनमें से किसने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की को पदोन्नति में आरक्षण को मंजूरी दी है? तो केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को पदोन्नति में आरक्षण को मंजूरी दी है। आंसर हो जाएगा आपका ए केंद्र सरकार। हाल ही में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अपने सभी विभागों में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की पदोन्नति में आरक्षण को मंजूरी दी है और साथ ही में कर्मचारियों के लिए प्रमोशन में आरक्षण लागू किया है। यानी कि इनको अब प्रमोशन में भी, जो कर्मचारी हैं इनको प्रमोशन में भी इनको आरक्षण दिया जाएगा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को। ये भी क्वेश्चन आपका पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के वित्त मंत्री होर्गे रेमेस लेनिकोव ने इस्तीफा दिया है? तो दोस्तों हाल ही में अर्जेंटीना के वित्त मंत्री होर्गे रेमेस लेनिकोव ने इस्तीफा दिया है। आंसर हो जाएगा आपका बी अर्जेंटीना के वित्त मंत्री। हाल ही में अर्जेंटीना के वित्त मंत्री होर्गे रेमेस लेनिकोव ने इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफा देने की वजह देश में गहराता आर्थिक संकट बताया जा रहा है। यानी कि इनके इस्तीफा देने की वजह यह है कि देश में गहराता आर्थिक संकट बताया जा रहा है। कोई क्लियर नहीं है कि इन्होंने इस्तीफा क्यों दिया है, बस इतना बताया जा रहा है कि देश में गहराता आर्थिक संकट बताया जा रहा है। ये भी क्वेश्चन आपका पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्ययन के मुताबिक इनमें से कौन सी नदी सबसे अधिक समुद्र में गंदगी के लिए जिम्मेदार है? तो एक अध्ययन के मुताबिक व्यक्त जे नदी सबसे अधिक समुद्र में गंदगी के लिए जिम्मेदार है। आंसर हो जाएगा आपका सी। हाल ही में एक अध्ययन में पता चला है कि चीन की ब्यासे नदी सबसे अधिक समुद्र में गंदगी के लिए जिम्मेदार है, उनके बाद गंगा नदी दूसरे पायदान पर है। देखिए दोस्तों, पहले नंबर पर आ जाती है नदी की प्याक्तजे नदी, उसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाती है गंगा नदी जो दूसरे पायदान पर है। पहले पायदान पर है चीन की नदी प्याक्तजे नदी। इस पॉइंट को आपको याद रखना है, ठीक है? ये भी क्वेश्चन आपको पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री ने किस शहर में एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री ने रायपुर में एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया है। आंसर हो जाएगा आपका सी रायपुर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर में देश के पहले एकीकृत कमांड एवं नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया है, जिसके साथ रायपुर भारत में परिचालित होने वाला 10वां स्मार्ट सिटी सेंटर बन जाएगा। यानी कि इस उद्घाटन करने के बाद रायपुर भारत में परिचालित होने वाला 10वां स्मार्ट सिटी सेंटर बन जाएगा। यानी कि ये 10वां स्मार्ट सिटी सेंटर बन जाएगा रायपुर का। ये भी क्वेश्चन आपका पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से किस देश के टीम के कप्तान को आईसीसी ने गेंद से छेड़छाड़ में दोषी पाया है? तो श्रीलंका के टीम के कप्तान को आईसीसी ने गेंद से छेड़छाड़ में दोषी पाया है। सबसे पहले इसमें एक पॉइंट इसमें ये आ जाता है कि श्रीलंका के कप्तान कौन है? तो श्रीलंका के कप्तान है दिनेश चांडीमल। इस पॉइंट को आपको याद रखना है, ठीक है? हाल ही में आईसीसी ने श्रीलंका टीम के कप्तान दिनेश चांडीमल को गेंद से छेड़छाड़ का दोषी पाया है। दिनेश चांडीमल ने आईसीसी की आचार संहिता 2.2.9 का उल्लंघन किया है, इसीलिए इनको दोषी पाया गया है। ये भी क्वेश्चन आपका पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व कप इतिहास किस फुटबॉल टीम ने पहली बार जर्मनी को हराया है? तो विश्व कप इतिहास में मैस्को ने पहली बार जर्मनी टीम को हराया है। आंसर हो जाएगा आपका बी मैक्सिको। हाल ही में पिछले फीफा 2018 के मैच में मैक्सिको ने विश्व चैंपियन जर्मनी को पहली बार 1-0 से हराया है। फीफा 2000 जर्मनी का लगातार तीसरा विश्व कप है।
यानी कि ये फीफा 2018 का जर्मनी का लगातार ये तीसरा विश्व कप था जिसमें मैक्सिको ने विश्व चैंपियन जर्मनी को पहली बार 1-0 से हरा दिया है। ये भी क्वेश्चन आपका पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवान ड्यूक को किस देश का सबसे युवा राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया है? तो दोस्तों इवान ड्यूक को कोलंबिया देश का सबसे युवा राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया है। आंसर हो जाएगा आपका सी, कोलंबिया। हाल ही में इवान ड्यूक को दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया का सबसे युवा राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया है। इवान ड्यूक अब तक के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं। इस पॉइंट को आपको याद रखना है कि जो इवान ड्यूक हैं ये अब तक के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं। ये कहाँ के बने हैं? ये बने हैं कोलंबिया देश के राष्ट्रपति बने हैं। ये भी क्वेश्चन आपका पूरा होता है। आज का कुछ का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए जिसका आंसर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन ये है, हाल ही में किस देश की सरकार ने पाकिस्तानी शरणार्थियों को 5.5 लाख रुपए परिवार की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है भारत, बी नेपाल, सी श्रीलंका, डी भूटान। कमेंट करके आंसर जरूर बताएं। तो दोस्तों ये था 20 जून 2018 का करंट अफेयर्स, यानी कि आज की डेट का करंट अफेयर्स, जो कि एसएससी, बैंक, रेलवे, यानी कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अब करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। और जो मेरे नए दोस्त हैं जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, दिए गए नीचे रेड कलर के बटन क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में ही आपके बेल आइकॉन होगा, उसको भी दबा लें, इससे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।